हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में एक और अनबॉक्सिंग होने वाली है और इस बॉक्स में है हैजार्ड लाइट फॉर माय डोमिनार और ये है फ्रॉम सिमटेक और ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है और इट कॉस्टेड मी अराउंड 1500 रुपीज़। और हैजार्ड लाइट का बेसिकली यूज़ आप कब कर सकते हो, आप जब नाइट राइड करते हो तो उस टाइम आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, आगे और पीछे वालों को पता रहता है कि एक बाइकर जा रहा है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छा होता है। दूसरी चीज़, रेनी सीजन में थोड़ा सा जब फॉग हो जाता है और वो सब रहता है अंधेरा टाइप का, तो उस टाइम पे विजिबिलिटी में बहुत अच्छी हेल्प करता है, आपके दोनों इंडिकेटर फ्लैश करते हैं जिसके कारण आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। सो गाइज, यही है और मैं आपको इस जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ कि आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। और गाइज, आप ये घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट आपको थोड़ा बहुत टूल्स चाहिए जिसके लिए स्क्रू ड्राइवर और एक एलन की चाहिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैंने जैसे बताया कि ये कपलर टू कपलर है, कोई भी आपको वायर काटना नहीं है, जस्ट कपलर टू कपलर कनेक्ट करना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी बाइक पे। सो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो गाइज, बॉक्स कुछ इस टाइप का मिलता है जिसमें हमें सिमटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे उनका वेबसाइट भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ये DNR का मतलब मुझे नहीं पता चला कि ये क्या है, और ये इनका कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और इनका यूट्यूब पे एक चैनल भी है, तो अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप इस नंबर पर इनको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और गाइज़, ये प्राउडली मेड इन इंडिया है, विच इज़ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस यूनिट, क्योंकि बहुत सारे चाइना प्रोडक्ट्स भी आते हैं तो वो सब अवॉइड कर सकते हैं जब हमारी इंडिया कंपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है। तो गाइज़, ये सब है और ये रेनी सीजन में भी आप आराम से इसको, ये वाटरप्रूफ मॉड्यूल है और ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें डिटेल दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे प्राइस इन लोगों ने MRP मेंशन कर रखा है 1899, बट मैंने इसको अमेज़ॉन से 1500 के अप्रॉक्स परचेस किया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए, इस बॉक्स को मैं जल्दी से ओपन करता हूँ। गाइज, बॉक्स ओपन करते ही मुझे मेन मॉड्यूल दिखता है और मॉड्यूल कुछ इस टाइप का है जो कि देखने में बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। यहाँ पे आपको सिमटेक की ब्रांडिंग दिखने को मिल जाती है। यहाँ पे इनका आउटपुट दे रखा है 25W x 2 PNP मल्टी मोड हैजार्ड फ्लैशर 2.0 वर्जन 2.0, इसका आई थिंक ये लेटेस्ट वर्जन इन लोगों ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि ये मेड इन इंडिया है, वाटरप्रूफ है और ये कुछ इनके क्वालिटी चेक्स हैं। सो गाइज, मॉड्यूल बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही सही दिख रहा है मुझे। और यहाँ आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, ये कपलर टू कपलर है तो आपको कोई भी वायरिंग कट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 3 कपलर्स देखने को मिलते हैं, जो 2 कपलर हैं आपके बाइक के हेडलाइट्स जो मॉड्यूल है उसमें कनेक्ट होंगे अंदर, और ये वाला जो ब्लैक कलर का है ये आपका स्विच में कनेक्ट होगा। तो गाइज, आपको बॉक्स के अंदर एक और स्विच, आपको अलग से स्विच परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। स्विच की क्वालिटी भी डिसेंट है और वायरिंग का लेंथ भी ओके है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो ओके टाइप का है। और ये आपका यहाँ पे कपलर आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। ये गाइज, एक चीज़ अच्छी है कि इन लोगों ने इसको ब्लैक कलर का दे रखा है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कपलर कनेक्ट करते टाइम पे कि आपको जब ये ब्लैक मॉड्यूल में भी आपको ये ब्लैक कलर का देखने को मिलता है और स्विच में भी आपको ये ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि ब्लैक को ब्लैक के साथ कनेक्ट करना है। और इनफैक्ट ये जो रेड वाले हैं, ये भी जो बाइक का मॉड्यूल है उसमें रेड वाले से ही कनेक्ट होगा। सो गाइज, मैं आपको जल्दी से ये इंस्टॉल करके बताता हूँ, मैं खुद इंस्टॉल करने वाला हूँ तो मैं आपको बता दूंगा एक कि मतलब कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं खुद से अगर आप करना चाहते हैं तो। और बॉक्स में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, एक टाई रोप देखने को मिलता है जिससे आप इसको टाई कर सकते हैं इस पूरे मॉड्यूल को हेडलाइट के अंदर। सो बॉक्स में सिर्फ हमको ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फिर जल्दी से चलते हैं बाइक पे और मैं आपको करके इंस्टॉल करके बताता हूँ कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दिस 4 बोल्ट्स ऑफ दिस विंडशील्ड। सो मेरे बाइक में एक्स्ट्रा एसेसरीज इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि ये एक्स माउंट फॉर द मोबाइल होल्डर एंड दिस फॉग लैम्प मॉड्यूल होल्डर फॉर ऑक्सिलरी लाइट एंड दिस इज़ फ्रॉम द लूविया। सो ये कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज मेरी बाइक में इंस्टॉल्ड है, सो फॉर दैट आई हैव टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा एसेसरीज। बट आपकी अगर बाइक में ये सब एसेसरीज इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी हो जाएगा।
तो चलिए पहले मैं इस विंडशील्ड को रिमूव करता हूँ, तो और फिर उसके बाद में बाकी के जो बोल्ट्स हैं अंदर के, और ये फेयरिंग बिन ये भी निकलेगा, दिस इज़ हेडलैम्प जो फाइबर माउंट है ये भी निकलेगा दोनों साइड का। तो इसमें अगेन दो स्क्रूज़ हैं और फिर चार स्क्रूज़ विंडशील्ड के, दो स्क्रूज़ इसके दोनों साइड के, तो चार हो गए ये, दो बोल्ट इधर हैं और दो बोल्ट नीचे हैं, तो ऐसे करके चार ये दो चार ये आठ आठ और दस दस बारह टोटल 12 बोल्ट्स हैं तो आपको जो रिमूव करने रहेंगे, और आपके नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर और एलन की से ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज़ इसके बाद आपको ये दोनों बोल्ट निकालने हैं, दो बोल्ट इस साइड हैं और दो बोल्ट राइट साइड में हैं, तो आपको ये दोनों बोल्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर आप इसको निकाल लीजिए। ऊपर के सारे बोल्ट्स खोल लेने के बाद आपको यहाँ पे एक हेडलैम्प लॉक मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली खोलना है क्योंकि ये मोस्टली खोलते टाइम पे ब्रेक हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको जेंटली हल्का सा इनसाइड प्रेस करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको हल्का सा पुश कर रहा हूँ टूवर्ड्स इनसाइड, तो ऐसे करने से ये लॉक ओपन हो जाएगा और आपका हेडलैम्प आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको दो और बोल्ट मिलेंगे, ये आपको विद द हेल्प ऑफ एलन की आपको इसको ओपन करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू रिमूव दिस टू बोल्ट्स विच आर माउंटेड बिलो द हेडलैम्प, और ये आप विद द हेल्प ऑफ एलन की आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुआ क्योंकि मेरे बाइक पर आप जैसे देख सकते हैं लूविया का फॉग लैम्प माउंट इंस्टॉल्ड है, अगर आपकी बाइक में ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको कंपैरेटिवली थोड़े कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसको अनमाउंट करने के लिए। सो गाइज दिस इज़ हाउ योर मेन मॉड्यूल विल कम आउट, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा रिमूव हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये वाले कपलर जो रेड कलर के कपलर हैं इसमें आपको कनेक्ट करना है वो जो हमारा हैज़र्ड लाइट का कपलर है। सो दिस इज़ अवर मॉड्यूल हैज़र्ड मॉड्यूल, और ये इसको आपको जस्ट मॉड्यूल कनेक्ट करने के बाद आपको अब स्विच कनेक्ट करना है, और स्विच का वायर मैं वहीं से निकाल रहा हूँ जहाँ से सारे वायर्स निकल के आ रहे हैं हेडलाइट तक। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेम जगह से स्विच का वायर को भी निकाला है और मैंने मॉड्यूल के कपलर तक उसको लेकर आया हूँ और कपलर उसको कनेक्ट कर दिया है मॉड्यूल से।
एक बार आप इसको चेक कर लीजिए जैसे ही कपलर कनेक्ट होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये काम कर रहा है कि नहीं, वरना आप इसको हेडलैम्प लगाने के बाद में आपको पता चले ये वर्क नहीं कर रहा तो आपकी दोबारा मेहनत हो जाएगी, आपको वापस से इसको ओपन करना पड़ेगा। सो जस्ट सजेशन कि आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। मॉड्यूल चेक करने के बाद में जो आपका लास्ट काम बचता है वो स्विच कनेक्ट करना है आपको आपके हैंडल बार पे, और इसके लिए आपको ऑलरेडी स्क्रूज वगैरह सब दिया हुआ है स्विच के साथ में, तो आपको जस्ट वो माउंट करना है अपने आपके हैंडल बार पे। और मैंने प्रिफर किया लेफ़्ट साइड में क्योंकि इंडिकेटर का बटन लेफ़्ट साइड में होता है तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, इसलिए मैंने स्विच को लेफ़्ट साइड में कनेक्ट किया। आपके हिसाब से कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं हैंडल बार पे। आई हैव इंस्टॉल्ड दिस मॉड्यूल और अभी आप देख सकते हो, सो जस्ट टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ दैट इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये देखो अभी मैंने स्विच भी कनेक्ट कर दिया है, सो इफ यू कैन सी जब मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारे फ्लैशर्स चारों फ्लैशर्स ऑन है, पीछे के भी आगे के भी, ठीक है। और अगर आप इसको जैसे आप बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जब इंडिकेटर देना हो तब क्या करना है, तो गाइस आपको ये हैजार्ड लाइट का ये स्विच बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू आप इंडिकेटर दोगे तो ऑटोमेटिकली हैजार्ड लाइट बंद होके इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि हैजार्ड लाइट का स्विच ऑफ करना पड़ेगा जब भी आपको इंडिकेटर देना है। तो सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और यहाँ पे आपको ये जो स्विच दिख रहा है नीचे, दिस इज़ फॉर द पैटर्न चेंज, जिसके थ्रू आप इसमें 20 पैटर्न्स मिलते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच यू कैन चेंज वॉट एवर पैटर्न यू वॉन्ट विद दोज 20 पैटर्न्स। सो कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप हो चुका है। तो अभी मैं वापस से इसको सारा लगा के फिर एक बार आपको फाइनल लुक देता हूँ। सो गाइज दैट इज़ हाउ यू कैन इंस्टॉल दी हैजर्ड लाइट ऑन योर बाइक, और बहुत ही ईजी है, जस्ट कपलर टू कपलर है, आपको ज़्यादा कुछ वायरिंग कट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कपलर टू कपलर कनेक्ट करना है, बहुत ही ईजी है सिंपल स्टेप में, और मैंने आपको बताया। आई होप आपको वो एक्सप्लेन जो मैंने किया वो समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इनकेस आप इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा जो अमेज़ॉन से आप परचेज़ कर सकते हैं। हर बाइक का वैसे अलग अलग होता है, जो ये पर्टिकुलर मेरा जो मॉड्यूल है जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा दैट इज़ फॉर डोमिनार एंड दैट टू फॉर 2018, मतलब जो 2017-2018 वाला मॉडल था उसके लिए ये वाला यूनिट आप ले सकते हैं डोमिनार के लिए। और अगर आपको अपनी दूसरी बाइक के लिए लेना है तो भी आप सिमटेक का आप ऑप्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली उसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट चीज़ है कि वो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड है और वाटरप्रूफ है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बस गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आप तक ऐसे वीडियोज़ आते रहें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, फेयर हेलमेट एंड बाय बाय।